सावन का महीना आने वाला है और इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल से कि सावन में कौन से उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल के अनुसार पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे बेहोश हो गए। तभी मां जगदम्बा ने उनके मस्तक पर धतूरे और भांग का लेप लगाकर जलाभिषेक किया, जिससे भगवान शिव को होश आया। इसी कारण से सावन के महीने में धतूरे के पुष्प अर्पण करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय बाबा विद्यनाथ। भगवान भोलेनाथ का पावन महीना सावन आ रहा है और सावन महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा की जाती है। 12 महीने में सावन का महीना जो है वह शंकर को अति प्रिय है। भगवान शिव को सफेद फूल अत्यंत प्रिय है और धतूरे का फूल भी सफेद रंग का होता है। धतूरे का फूल अर्पण करने से शिव जी के कंठ में एकत्रित विष के प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है। अगर आप भगवान शिव के ऊपर धतूरे का फूल अर्पण करते हैं तो मानसिक शांति के साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में शनि दोष भी समाप्त हो जाता है, इसलिए सावन के महीने में धतूरे का फूल अवश्य अर्पण करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शंकर को औषधि या वनस्पति अति प्रिय होता है, जैसे बेलपत्र है, धतूरा है, भांग है इत्यादि जो चढ़ता है। लेकिन उसमें विशेष रूप से सावन माह में यदि आप धतूरा का पत्ता, धतूरा का फूल और धतूरा का फल यदि भगवान शंकर को अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता है और पूरे जीवन खुशहाल रह सकता है। सावन के महीने में उपाय। धतूरे के पुष्प अर्पण। भगवान शिव को धतूरे के सफेद पुष्प अर्पण करें, इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और शारीरिक व आर्थिक कष्ट समाप्त होंगे। जलाभिषेक। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। रुद्राभिषेक। सावन में रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंत्र जाप। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। बेलपत्र अर्पण। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आप अपने बगीचे में अपने घर के आसपास धतूरा का पौधा लगा सकते हैं। धतूरा का पौधा तो हर जगह लगा रहता है, गांव घर में भी पूरा रहता है। तो धतूरा का फूल जो है वह शंकर भगवान को अति प्रिय है। सावन महीने में धतूरा का पुष्प और बेलपत्र अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।